हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब सीबीआई ने जांच की उसके बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर जो खतरा था मान्यता रद्द कर दी गई। उस मान्यता रद्द होने के साथ ही सबसे बड़ा संकट नर्सिंग के उन स्टूडेंट्स के ऊपर आया जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। लगातार वो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, मंत्री के पास पहुँच रहे हैं और वो स्टूडेंट्स की मांग है कि उनके करियर का क्या होगा, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है और कैसे चीज़ें हो पाएंगी। आज रीवा में अमहिया में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास के बाहर नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं और उनकी जो डिमांड है लगातार वो जो मांग कर रहे हैं उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आप लोग पहले कमिश्नर से भी मिल चुके, आज उप मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, क्या मुलाकात हो पाई या फिर क्या बात हुई? एक्चुअली वो सर्किट हाउस में आए हुए हैं, हमारे जो कुछ सीनियर हैं उनके पास, मतलब यहाँ से ये बोला गया है कि 10 या 20 लोग उनके पास जाके मिल सकते हैं, तो दीदी लोग वहाँ पे जाके उनसे मिल रहे हैं, बाकी के लोग अभी उनके घर के बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं। नहीं, आप लोग जब इसके पहले कमिश्नर से मिले थे उन्होंने तो कहा कि चूँकि कोर्ट का ऑर्डर है कुछ हो नहीं सकता, तो आप लोग की डिमांड क्या है अब फिर? एक्चुअली हमारी डिमांड ये है कि जो सुटेबल कॉलेज है हमको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जो ये सब कुछ हो रहा है उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है, वो सरकार की पूरी जवाबदारी पूरी जिम्मेदारी उसकी है, तो वो अपना देखी करे ना, उनमें हमारा कैरियर क्यों बर्बाद किया जा रहा है। हम हमारे सीनियर हैं, हमारे पोर्टियर तक के मैम लोग हैं जिनका भी एग्जाम नहीं हुए हैं, सबके सब परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ हम लोगों को डेट पे डेट दी जा रही है, 4 दिन बाद मिलेंगे, 5 दिन बाद मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद आइएगा, ठीक है, वो तो डेट दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे यहाँ कितना परेशान हो रहे हैं। रात भर ना हम लोग चैन से खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, हमारे लिए एक एक घंटा एक एक मिनट बिताना मुश्किल हुआ है। इसलिए आज हम इसी उम्मीद के साथ में आए हैं कि अगर सर यहाँ आ रहे हैं तो हम लोगों का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम का, एक आखिरी उम्मीद वही बची हुई है अब। और सर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो फेलियर हुए उसके कारण ये मान्यता का इशू हुआ, चूँकि आप लोगों का ये भी कहना था कि ये प्रॉब्लम दरअसल कॉलेज एंड से हुई है। आप लोग जब एडमिशन ले रहे थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया, जो जांच में आया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं था, क्या क्या चीज़ें बता गया? हमको दिखाया ही नहीं गया था। एक्चुअली सर हमारा जब एडमिशन हुआ है तो श्यामसा मेडिकल कॉलेज में हुआ है, हमारा जो अलॉटमेंट आया है उसमें भी ऐसे श्यामसा नर्सिंग कॉलेज के नाम से आया है, तो जब हम एडमिशन करवाने आए हमारे फैमिली आए तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग देखी, तो हमको क्या पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो तो हम बाद में जाने कि जीएमएस की जो हमारी नर्सिंग बिल्डिंग है वो खराब बिल्डिंग है। क्लास लगाने में पता चला हमें कि हमारी क्लासेस तो जीएमएच में लगने वाली है, एसएसएमसी में नहीं, तब हमें पता चला इस सच्चाई का। जीएमएच में लगती है हमारी, ओपीडी लेक्चर हॉल में लगती है, श्यामसा मेडिकल कॉलेज में लगती है, हमारी जो रियल क्लासेस हैं, जो हमारा कॉलेज है, हमारी क्लासेस उसमें नहीं लगती है, बस हमारे कॉलेज को छोड़ के हर जगह हमारी क्लासेस लगती है। सर हमारा ये है कि हम बॉन्डेड स्टूडेंट हैं, हमसे बॉन्ड भरवाया गया है, तो हमें जो उस बॉन्ड में लिखा है उसके तहत हमें हमारी मांगे पूरी करें और जो हमें जॉब दिलाने का जो प्रॉमिस था वो हमें हमारी जॉब दिलाई जाए, बस। एक्चुअली कुछ बोल रही थी कि कॉलेज है ही नहीं वहाँ पे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सर जब एडमिशन हुआ था तो हमें ये बोला गया था कि मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस लगेंगी, सारी फैसिलिटीज हमारी मेडिकल कॉलेज में, ऐसा हमसे बोला गया था। लेकिन जब हम एडमिशन करा के हॉस्टल पहुंचे तो वो हॉस्टल पुरानी, पिछले 60 साल पुरानी बिल्डिंग है जो कि टूटी फूटी गिरी सी थी, और फिर पता चला कि लोकल तरीके से उसी में क्लासेस लगाई जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली नर्सिंग के लिए इंडिपेंडेंट कोई कॉलेज है ही नहीं, कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं किया गया है हमारे हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा। फिर इस चीज़ को लेकर सारी व्यवस्थाएँ ढीली थी, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि कॉलेज की व्यवस्था कभी सुधरनी चाहिए कि नहीं सुधरनी चाहिए। सडन सीबीआई का राउंड हुआ, जब सीबीआई का इंस्पेक्शन हुआ तो हमारे जो भी कॉलेज में जो भी क्राइटेरिया थे ये अनफुलफिल पाए गए, जैसे कि हमारे पास हमारी बिल्डिंग नहीं है, हमारे स्टाफ जितने हमको स्टाफ चाहिए, मतलब हमारे टीचर फैसिलिटी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है, इनसफिशियंट है, स्टूडेंट्स के लिए जो भी लाइब्रेरी, जो भी मेस या जो भी कंप्यूटर लैब या जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो कुछ नहीं है उस कॉलेज में। कुछ भी ना पाए जाने के बाद सीबीआई ने हमें अनसुटेबल घोषित किया है, हमें हाई कोर्ट के द्वारा ये आया है नोटिस कि हमारा कॉलेज अनसुटेबल है और पूरी तरीके से मान्यता रद्द कर दी गई है। हम गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं, हम पूरी काउंसलिंग, पूरा एग्ज़ाम फाइट करके इसमें एडमिशन लेके आते
जाते हैं। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ना कि स्टूडेंट्स की। हम इंडिविजुअल स्टूडेंट आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे कोई हायर अथॉरिटी हमारी बात नहीं सुन रहा है। रिस्पेक्टेड डीन सर ने अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जिससे ये लगे कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। हमें रिटर्न में कहीं से कोई नोटिस नहीं मिली है कि हमारा एग्जाम होगा, हमें जॉब मिलेगी, हमें जॉब सिक्योरिटी है। ऐसा कोई नोटिस नहीं होने के बाद हम डिप्यूटी सीएम सर के यहाँ अपनी रिक्वेस्ट लेके आए हैं। आप लोग कमिश्नर से मिले थे, वो क्या इंश्योर किया था उन्होंने? कमिश्नर सर ने सीधे सीधे ये बोला है कि जब आपके नोटिस में आपका कॉलेज अनसुटेबल घोषित हो गया है तो आप सबका कुछ नहीं होगा, आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा किसी अदर कॉलेज में एग्जाम कराने के लिए, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसे हार्शली हमारे साथ बिहेव किया गया। तो फिर अब अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि अगर सरकार हाथ खींच लेगी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो फिर होगा क्या? हम सरकार से गुहार लगाने के अलावा, रिक्वेस्ट करने के अलावा क्या कर सकते हैं? हम गवर्नमेंट को किस लेवल तक बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। रीवा के डिप्यूटी सीएम हमारे सबसे पास में अप्रोच में है, इसलिए हम सर के पास आए थे। सर के घर में जाके आज हम पूरा दिन वेट किए हैं, सबने हमें बाहर भगा दिया, बोल रहे हम बल का प्रयोग करेंगे, तुम यहाँ से हट जाओ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें बात करने का, तुम्हें ये स्ट्राइक करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें ऐसा बोल के बाहर भगा दिया गया। जब हम रोड पे बैठ के अपनी बात करना चाहते हैं, हमसे वो भी छीना जा रहा है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम अपनी बातें नहीं कह सकते। आखिर स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ, ना डीन सर सुन रहे हैं, ना सीएम सर सुन रहे, सब एक दूसरे को बस ट्रांसफर कर रहे हैं बातें कि स्टूडेंट वहाँ चले जाओ मिलने, वहाँ चले जाओ मिलने। हम झूठे वादों के बीच में फंस गए हैं बस। हम लोग गवर्नमेंट स्टूडेंट हैं, सरकार ने हमारे साथ धोखा दिया है, तो हम सरकारी जमीन पे बैठेंगे, यानी सरकारी जमीन ये रोड, हम यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। एक्चुअली हम लोग जब से आए हैं, हमारे सीनियर भी, जो सुपर सीनियर मैम लोग भी हैं, तब से स्ट्रगल कर रहे हैं इस कॉलेज में आने के बाद। यहाँ तक इसके पहले भी मैम लोगों ने जो हॉस्टल के लिए स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किल में जाकर के हॉस्टल मिला, उसके बाद फिर ये। अब होता क्या, अगर हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, उस बिल्डिंग के कारण और भी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अब ओपीडी क्लास लग रही है, मेडिकल कॉलेज में लग रही है, कुछ क्लासेस नर्सिंग कॉलेज में लग रही है। पहले तो हम 8 बजे आते हैं, क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद 1 घंटे लंच के बाद फिर क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद यहाँ क्लास लो, वहाँ क्लास लो, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। यानी कि हमारा कोई कैरियर कुछ है ही नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में जाते आप लोगों ने किया क्या है? और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो ये स्टूडेंट की गलती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो वो सरकार की गलती है, सरकार को बनवाना चाहिए। टीचर्स नहीं है तो, अगर फैकल्टी नहीं है तो क्या स्टूडेंट्स फैकल्टी ढूंढने जाएगा? उनको फैकल्टी लानी चाहिए, उनको लाइब्रेरी बनवानी चाहिए, उनको बिल्डिंग बनवानी चाहिए थी। सरकार ने सीबीआई की जांच को लाइटली लिया है। और सबसे पहली बात, जब अगर यहाँ पे था, जब यहाँ पे कॉलेज नहीं था तो अलॉटमेंट में रीवा का नाम ही नहीं होना चाहिए था। और जब हम लोग आ गए हैं तो हमें हमारा जॉब सिक्योरिटी दो, हमारी एग्जाम कराओ। हमारी बस एक ही मांग है, हम बॉन्डेड स्टूडेंट हैं, हमारा एग्जाम कराया जाए, हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि हमने बॉन्ड भरा है। और एमपी गवर्नमेंट हमारा नहीं, जैसे अलॉटमेंट का आपने बात किया, आप ये बताइए कि जब अलॉटमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में हुई, अब क्या ये ऑप्शन है कि आप लोगों का कहीं ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं, हमारा ये ऑप्शन नहीं है कि ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि हम बॉन्डेड है यहाँ के लिए। मतलब हमारा 5 साल का बॉन्ड फिलअप कराया जाता है, सॉल्वेंसी दी जाती है, ताकि ये स्टूडेंट सिर्फ यहीं के लिए अलॉटेड रहेंगे। तो मतलब ये बेसिकली कहना चाहिए कि हम किसी और कॉलेज में जाने के एलिजिबल नहीं है। और अगर हमारा कॉलेज अनसुटेबल की कैटेगरी में है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अगर हायर अथॉरिटीज इसके लिए कुछ नहीं करती है तो। मतलब करियर पे भी एक बड़ा वो, हमारे जॉब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें आगे जाके जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। प्रदेश में बहुत सारे कॉलेजों में ये सब हुआ, हर जगह ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे कोर्ट के थ्रू कुछ हो सकता है क्या, कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए या फिर किसी तरह से? आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? अभी ये चीज़ें नहीं पता कि कोर्ट, लेकिन मुझे इतना ज़रूर आइडिया है, हम सबको इतना आइडिया है कि कोर्ट से ही हमारी बातें सॉल्व होंगी। और हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे हायर अथॉरिटीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि हम इतने केपेबल नहीं है कि हम इंडिविजुअली अपना कोर्ट केस लड़ सके। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट स्टूडेंट हैं तो गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हमको ऐसे अनाथ की तरह छोड़ा ना जाए रास्ते में। बस हम इतनी मांग करते हैं। आज यहाँ पे मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई सर, हमसे बोले थे कि 12 बजे आएंगे। क्या है, क्या आप लोगों के स्टूडेंट? हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स गए हैं जहाँ बोला गया है कि सर्किट हाउस में सर मिलेंगे, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स गए हैं, अब देखते हैं कि वहाँ मिलते हैं कि नहीं। कुल मिला के बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल और गवर्नमेंट लेवल के फेलियर्स हैं और बच्चे इसमें भुगत रहे हैं, ये साफ है। क्योंकि अगर बॉन्ड साइन कराया है, 5 साल के लिए आपने जिम्मेदारी ली है, तो अब क्या प्रशासन या फिर ये कहा जाए कि सरकार इस जिम्मेदारी से भाग रही है?
कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सीबीआई ने इंक्वायरी की थी, और अधर में इन बच्चों का भविष्य है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या कुछ होगा, ना इनके डिपार्टमेंट के लोग, ना हायर अथॉरिटी कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, ना तो इस मसले में कोई बात कर रहा। सरकार क्या करेगी, क्या सरकार कोर्ट का रास्ता अपनाएगी या सरकार इस लेवल पे कोई प्रोसेस करेगी? लेकिन सबसे बड़ा संकट है इन बच्चों के भविष्य का कि आगे इनका क्या कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।